लोग कोलोमियन चैप्टर को पढ़ रहे हैं और कोलोमियन में आज हम लोग दूसरे पार्ट को पढ़ने वाले हैं। पहले पार्ट में हम लोगों ने पढ़ा है कि पोलोमियल होता क्या है, उसके काइंड्स क्या होते हैं, जीरो जब पोलोमियल क्या होते हैं, वैल्यू ऑफ पोलोमियल क्या होते हैं, और आज हम लोग उसमें जो काइंड्स में जो हम लोगों ने पढ़ा था डिग्री के बेसिस पे क्वाड्रेटिक और क्यूबिक, तो उसी के बारे में थोड़ा हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं, क्योंकि इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं और आज जो आप टॉपिक पढ़ने वाले हैं अगर इससे क्वेश्चन आ जाए तो सीधे तीन नंबर के सवाल आते हैं। तो ये चीज जो है हम लोग आज कवर करने जा रहे हैं और देखेंगे इसमें कि क्या चीजें हम लोगों को पढ़नी है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए हम लोगों को क्लास 10th में पॉलीनोमियल का दो फॉर्म बहुत बढ़िया से पढ़ना है, जिसको कहते हैं क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल जो होता है वो इस फॉर्म का होता है, ठीक है। ये मैं थोड़ा बड़ा लिख देता हूँ, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है। ये क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल है। आप जानते हैं कि मैक्सिमम क्वाड्रेटिक कब होगा, जब डिग्री क्या हो जाए, 2 हो जाए। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर वेरिएबल की डिग्री 2 है, यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 0 है, तो इसलिए मैक्सिमम डिग्री 2 हुआ तो ये क्वाड्रेटिक हुआ। अब मैंने एक चीज यहाँ पर लिख रखा है कि ए वेयर ए नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। वेयर ए नॉट इक्वल टू 0 का मतलब ये हुआ कि ए कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, इसके सेंस में इसके लिए लिखा है कि ए 0 नहीं होना चाहिए, बी 0 हो जाए चलेगा, सी 0 हो जाए चलेगा, लेकिन ए 0 नहीं होना चाहिए। अगर ए 0 हो जाए तो आप समझिए 0 इंटू एक्स स्क्वायर हो जाएगा और ये अल्टरनेटिवली क्या हो जाएगा, 0 प्लस बी एक्स प्लस सी। इसका मतलब क्या है, इसमें वेरिएबल का जो मैक्सिमम डिग्री था 2 वो वाला टर्म 0 हो चुका है और अब बचा क्या है, ये 1 है, तो इसका मतलब ये लिनियर हो जाएगा। तो ऐसे ये चीज हम नहीं कर सकते, हमको ए हमारा 0 नहीं होना चाहिए, इसलिए ए यहां पर भी 0 नहीं होगा और ए यहां पर भी 0 नहीं होगा, क्योंकि याद रखिए वेरिएबल के पावर 2 होने के कारण ही ये क्वाड्रेटिक और ये क्यूबिक है। और अगर हम कहते हैं कि ए ही 0 हो जाए तो ये पूरा टर्म जो पावर 2 वाला है वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो कितना याद रखिएगा, अगर कोई क्वेश्चन लिख देता है वेयर ए नॉट इक्वल टू 0 तो कंफ्यूज नहीं होना, उसका मतलब समझिए कि बस ये बताया जा रहा है कि ये 0 ना हो जाए, ये खत्म ना हो जाए, खत्म होने से बचाया जा रहा है। क्या आप ये ना समझे कि ए का कोई वैल्यू है जो पॉसिबली अपडेट कर लेगी 0 है। चलिए अब आप जानते हैं कि जितना डिग्री होता है उतने ही जीरोस होते हैं, तो चलो मान लेते हैं लेट इसके जो दो जीरोस हैं वो अल्फा बीटा है, और उसी तरीके से इस पॉलीनोमियल के जो दो जीरोस हैं वो अल्फा बीटा और सॉरी इसका चूंकि पावर 3 है तो इसके तीन जीरोस हो जाएंगे, अल्फा बीटा और गामा। अब हम लोगों को इसमें बहुत ज्यादा पढ़ना नहीं है, हम लोगों को सीधे चीजें सीधे कुछ चीजों को याद रखना है। देखिए हम जानते हैं पॉलीनोमियल जो होता है ना वो जीरो जो वैल्यू होती है जिस पर पूरा पॉलीनोमियल जीरो हो जाएगा। इसी पॉलीनोमियल से रिलेटेड अगर हम जीरोज की बात करते हैं तो जीरोज का मतलब कि वेरिएबल के जगह पे अगर हम जीरोज को रखेंगे तो वो पूरा पॉलीनोमियल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। पॉइंट नंबर 2, जीरोज का मतलब ये भी होता है कि पॉलीनोमियल को 0 करेगा प्लस जीरोज से हम लोग बना पाते हैं फैक्टर। इस चीज को थोड़ा समझना है। देखिए हम एक पॉलीनोमियल लेते हैं px = x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8, है ना, x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8, ये आपका पॉलीनोमियल है। अब अगर हम इस पॉलीनोमियल को फैक्टराइज करें, ठीक, इस पॉलीनोमियल को फैक्टराइज करें तो हमको क्या मिलेगा, x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2x प्लस 8। अब ऐसे ही मुझे पता है आप जो तरीका जानते हैं कि मल्टीप्लाई करके वो सब बताया जाएगा, ये ऐसा मिलेगा और ये क्या हो जाएगा, इन दोनों में से x कॉमन लिया जाएगा तो यहाँ पर बचेगा x और यहाँ पर बचेगा 4, इन दोनों में से अगर हम 2 कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पर बचेगा x और यहाँ पर बचेगा 4, x प्लस 4 ले लेने के बाद और यहाँ पर x प्लस 2 ले लेने के बाद ये हमारा पॉलीनोमियल फैक्टराइज हो चुका है। अब ये जो दो चीजें मिली हैं ये क्या है, ये फैक्टर है, यही दोनों फैक्टर मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो ये आपको पॉलीनोमियल मिल जाएगा। जैसे आप नंबर्स में समझिए, 6 एक नंबर है, 6 को अगर हम तोड़ेंगे तो 2 इंटू 3 मिलेगा, तो 2 और 3 मल्टीप्लाई होकर क्या बनाते हैं, 6 बनाते हैं, तो 2 और 3 क्या होगा, 6 के फैक्टर होगा, ठीक। उसी तरीके से ये पॉलीनोमियल जो है इन दोनों के मल्टीप्लाई होने के कारण बन रहा है। अब हम बात करें कि इसका जीरोस निकालना है, इसका जीरोस निकालना है। यहाँ पर देखिए ये रिलेशन होता है, डायरेक्ट रिलेशन होता है। अब हम लोग पीछे की चीजों को बहुत ज्यादा मतलब जो एकदम धीरे धीरे बेसिक बताया जाता है वो सब नहीं, हम एग्जाम की तैयारी कर बस आपको समझाने के लिए बताया जा रहा है। यहाँ पर जो ये 4 है ना,
इसका उल्टा साइन ले लेना होगा, ये माइनस फोर हो जाएगा और यहाँ पर प्लस टू है तो ये क्या हो जाएगा माइनस टू। आप यहाँ पर रख करके देखो, यहाँ पर रख करके देखो ये क्या हो जाएगा, इसको जीरो कर देगा। चलिए जरा चेक करते हैं, पी माइनस फोर रख करके देखो क्या हो जाएगा, माइनस फोर का स्क्वायर सिक्स एट टू माइनस फोर प्लस एट ये कितना हो जाएगा सिक्सटीन हो जाएगा, ये सिक्स फोर जाए माइनस ट्वेंटी फोर होगा और ये प्लस एट सॉल्व करेंगे तो 16 और 8 24 और प्लस माइनस माइनस 24 जीरो हुआ। तो समझिए जो जीरो जो थे मतलब इस पर जीरो हो गया माइनस 4 पर जीरो हुआ तो माइनस 4 क्या हुआ एक जीरो हुआ और ये जो जीरो है वो किससे रिलेटेड है कहीं ना कहीं फैक्टर से रिलेटेड है तो याद रखिएगा हमेशा पॉलिनोमियल जो होता है जीरो के पर्टिकुलर वैल्यू पर वो जीरो ही नहीं होता है उससे हम फैक्टर भी बना सकते हैं। याद रखने वाली बात है इंपॉर्टेंट। इंपॉर्टेंट क्या बात है, इंपॉर्टेंट ये बात है आप याद रखेंगे कि जीरो जिससे क्या बनता है फैक्टर बनता है, जीरो से क्या बनता है फैक्टर बनता है, जीरो से क्या बनता है फैक्टर। इस चीज को एकदम रट लेंगे, समझिए जीरो से क्या बनता है फैक्टर। अब चलिए समझ लेते हैं सर आगे क्या इसमें समझने वाली बात है, जीरो से क्या बनता है फैक्टर और फैक्टर जब मल्टीप्लाई होते हैं तो बनता है पॉलीनोमियल। जीरो से क्या बनता है फैक्टर और फैक्टर जब मल्टीप्लाई होते हैं तो क्या बन जाता है पॉलिनोमियल। फिर समझिए मैं बार बार क्यों रिपीट कर रहा हूं क्योंकि इसका बहुत इंपॉर्टेंस है, जीरो से बनता है फैक्टर, फैक्टर जब एक दूसरे से मल्टीप्लाई होते हैं तो बन जाता है पॉलिनोमियल। अब मान के चलिए जो पॉलिनोमियल बनेगा उसमें ए बी और सी कुछ ना कुछ तो वैल्यू होंगे ना, ए बी और सी कुछ ना कुछ तो वैल्यू होंगे। तो अब जो आपको याद रखना है, आपको जो पॉइंट्स याद रखने हैं वो ये याद रखने हैं, आप याद रखें ये आपका रिवीजन है, मैं आपको हर एक चीज बता नहीं सकता पढ़ा नहीं सकता। अब अगर आप पूरे साल नहीं पढ़े हैं तो अब यहां से इन चीजों को याद कर लीजिए। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में आपको याद रखना है रिलेशनशिप आते हैं बिटवीन जीरो बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट्स बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट। तो चूंकि यहां पर दो जीरोज दो जीरोज हैं तो यहां पर दो रिलेशन होते हैं। आपका टॉपिक क्या है आप क्या पढ़ रहे हैं रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ पॉलीनोमियल। ठीक है आप क्वाड्रेटिक की बात कर रहे हैं, इस साइड हम क्वाड्रेटिक का लिखेंगे उस साइड हम क्यूबिक का लिखेंगे। आप याद रखेंगे दो जीरोज होंगे, पहला सम ऑफ जीरोज कहते हैं इसको, देखिए दोनों का सम हो रहा है तो सम ऑफ जीरो जो होता है वो माइनस बी बाई ए होता है, इसी को अंग्रेजी में लिखा जाता है सम ऑफ जीरोज इज इक्वल्स टू माइनस और बी क्या है कोफिशिएंट ऑफ एक्स है तो इसी को लिखा जाता है कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन ए क्या है क्या है तो ये है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ये आपको सम ऑफ द जीरोज है। वहीं जो दूसरा होता है उसको कहते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज जो होता है वो होता है सी बाई ए। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होता है सी बाई ए, इसको हम क्या लिखते हैं अंग्रेजी में जब लिखना हो तो या अपने बुक में कैसे लिखा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज इक्वल टू सी क्या है कॉन्स्टेंट टर्म है, कॉन्स्टेंट टर्म अपॉन प्रोडक्ट ऑफ जीरो में सॉरी ए तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ये बहुत आसान है, देखिए दोनों में सिमिलैरिटी क्या है कि दोनों रिलेशन में बटा में क्या होता है ए और सम वाले में माइनस भी होता है और प्रोडक्ट वाले में सी होता है, ये चीज आप याद कर लेंगे। इन सब चीजों को याद कर लेंगे। अब तो अब चलिए दो तीन तो एग्जांपल लेकर के हम लोग देखते हैं फटाफट और समझने की कोशिश करते हैं। मैं मिटा रहा हूँ सर, आप याद रखेंगे सम ऑफ द सम ऑफ जीरो इज इक्वल्स टू माइनस बी बाई ए। आप कॉपी रखें और उस चीज को नोट कर लें, सम ऑफ जीरो इज माइनस बी बाई ए प्रोडक्ट ऑफ जीरो इज इक्वल्स टू सी बाई ए। ये सारी चीजें कैसे होंगी मैं बताऊंगा,
याद रखना है एक क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल को, सॉरी किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल को दो जीरोस होते हैं, वो हमने माना है कि अल्फा और बीटा है। तो अल्फा और बीटा के बीच में इनका जो पॉलीनोमियल के साथ रिलेशन होता है, और क्या रिलेशन होता है, कोफिशिएंट्स के साथ होता है। तो पहला रिलेशन है सम ऑफ द जीरोस होगा, तो जीरोस का जो सम करेंगे कोफिशिएंट क्या मिलेगा, माइनस बी बाई ए मिलेगा, और जब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस करेंगे तो क्या मिलेगा, सी बाई ए मिलेगा। अब चलिए फटाफट हम लोग क्वेश्चन करके देखते हैं, हम लोग दो तीन क्वेश्चन करेंगे, एग्जाम में सीधे क्वेश्चन आएगा, ठीक है, कि फाइंड आउट द जीरोस ऑफ द पॉलीनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशन, तीन नंबर का क्वेश्चन आएगा जो मैंने पहले ही बताया। चलिए आज जो हम लोगों ने एक एग्जांपल लिया था, चलिए हम उस एग्जांपल को लेते हैं। हमारा पॉलीनोमियल है px = आपको इसमें से क्या करना है कि सबसे पहले आपको फैक्टराइज करके इसके जीरोस निकालना है, अच्छा, और फिर आपको ए बी सी भी चाहिए, क्योंकि रिलेशनशिप जो होता है वो क्या होता है, कोफिशिएंट का रिलेशनशिप होता है जीरोस के साथ, तो हमको ए बी सी भी चाहिए प्लस इसका फैक्टराइजेशन भी चाहिए। तो इसका फैक्टराइजेशन चलिए हम लोग फटाफट करके देखते हैं। तो इसका फैक्टराइजेशन हम करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस टू एक्स प्लस एट, इसको करेंगे हम कॉमन लेंगे, देखिए दोनों जगह पे x है, x कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ पर क्या बचा x और यहाँ पर क्या बचा 4, इन दोनों में दोनों जगह क्या कॉमन है 2 है, 2 कॉमन ले लेंगे, यहाँ पर क्या बचा x और यहाँ पर क्या बचा 4। जिन बच्चों को फैक्टराइजेशन नहीं आती है, अगर आपको नहीं आता है ये चीज तो आप उनको कॉमेंट करके बताएं, मैं एक फैक्टराइजेशन का भी वीडियो बना दूंगा। x प्लस फोर जो है वो x प्लस फोर ऐसा कॉमन ले लेंगे और ये हो जाएगा x प्लस टू। मैंने बताया कि फैक्टर से ही जीरोस निकाले जाते हैं, तो आपके जो जीरोस होंगे, जीरोस जो होंगे यहाँ पर प्लस है तो माइनस लेंगे, हमारा जीरो क्या होगा माइनस फोर और ये क्या हो जाएगा माइनस टू। तब हमारे टीचर जो होते हैं क्लास में इसी चीज को इस तरीके से समझाते हैं कि एक बार इसको जीरो के इक्वल कर दो तो x प्लस फोर इज इक्वल टू जीरो, तो x इज इक्वल टू क्या मिलेगा माइनस फोर, और दूसरे में ये जो है x plus 2 is equals to 0, तो x is equals to minus 2। अब ये ऐसा क्यों करा था वो भी समझ लीजिए। हम मान लेते हैं कि 0 का वैल्यू रखने पर ये पूरा क्या हो जाएगा 0 के इक्वल हो जाएगा, ठीक है, 0 का वैल्यू रखने पर ये पूरी पॉलीनोमियल क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी, ये भी 0 हो जाएगी, वही मतलब 0 होते आ रहा है 0 होते आ रहा है, ऐसे एक्चुअल में इसकी वैल्यू 0 के इक्वल होती है नहीं, हम मान लेते हैं कि यदि जीरो ही रख देंगे तो ये जीरो हो जाएगा। अब सुनो जरा, अब यहां पर जब देखोगे तो यहां पर तो दो चीजें मल्टीप्लाई हो रही हैं और दोनों चीजों का जो प्रोडक्ट है वो जीरो के इक्वल है। अब हम लोग बचपन से क्या सीखते हैं कि इफ देयर आर ए एंड बी टू नंबर्स, इफ ए एंड बी आर टू नंबर्स एंड देयर प्रोडक्ट इज इक्वल्स टू जीरो, इट मींस दैट आइदर ए और बी इक्वल्स टू जीरो और ए एंड बी बोथ आर जीरो, मतलब कि अगर कोई दो नंबर मल्टीप्लाई किया गया उनका प्रोडक्ट जीरो है तो या तो उन दोनों में से कोई एक जीरो के बराबर है या फिर वो दोनों जीरो के बराबर है। तो हमको जीरोस निकालना है तो हम लोग इसको भी जीरो के इक्वल करेंगे और इसको भी जीरो के इक्वल करेंगे, जो वैल्यू मिलता है वह ऐसे। मैं आपको बता रहा हूं कि आप फैक्टराइज करने के बाद, फैक्टराइज करने के बाद क्या करेंगे, डायरेक्ट यहां पर जो वैल्यू है उसका उल्टा, ठीक है, जो साइन है कांस्टेंट नंबर के सामने, ठीक है, प्लस है तो माइनस ले लेंगे, यहां पर माइनस है तो प्लस, जो भी है अपोजिट साइन ले लेंगे और वही हमारा क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा। तो हमारे पास क्या हो चुका है जीरो। उसके बाद हम देखेंगे of the
जीरो क्रॉस माइनस बी बाई ए क्या होगा, जीरो का सम कीजिए भाई, एक बार है हमको माइनस फोर प्लस दूसरा जीरो क्या है माइनस टू, यही अल्फा और बीटा है और ये हो जाएगा माइनस, बी का वैल्यू कितना है सिक्स और ए का वैल्यू कितना है वन, तो ये माइनस और माइनस जब जोड़ेंगे तो जुड़ते हैं, सेम साइन क्या होता है जुड़ता है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा जुड़ेगा क्योंकि प्लस प्लस करने की बात किया जा रहा है, लेकिन साइन वही रहेगा। आप जैसे समझिए दो लड़की प्लस तीन लड़की, पांच लड़का नहीं ना बोल दीजिएगा, पांच लड़कियां ही बोलिएगा, सेम वही बात है, माइनस माइनस वाले नंबर को अगर आप ऐड करेंगे तो वो नेगेटिव ही रहेंगे, तो ये हो जाएगा माइनस सिक्स और इधर भी देखिए तो ये माइनस सिक्स ही है, मतलब ये आप समझ रहे हैं यहां पर ये LHS equals to RHS मिला तो ये वेरीफाइड हुआ है ना। चलिए दूसरा रिलेशन प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, वो क्या होता है प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस वो क्या होता है भाई, तो C by A, C का वैल्यू यहां पर कितना है आप याद रखेंगे, क्यूबिक के बारे में नहीं पढ़ रहे हैं, क्वाड्रेटिक के बारे में पढ़ रहे हैं, और ये जो पीछे से जो नॉइज आ रही है उसको थोड़ा इग्नोर करेंगे, मैं दरअसल रेलवे क्रॉसिंग के अगल बगल ही रहता हूँ, तो ये हो जाएगा आपका अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा कितना हो जाएगा माइनस फोर इंटू माइनस फोर इंटू माइनस टू इज इक्वल टू सी का वैल्यू कितना बचे एट और ए का वैल्यू कितना है वन है, ये कितना हो जाएगा फोर टू जा एट और माइनस माइनस प्लस तो एट इज इक्वल टू एट, ये भी वेरीफाई हुआ, एक पॉलीनोमियल है उस पॉलीनोमियल के जीरोस फाइंड आउट कीजिए, आप कैसे निकालेंगे फैक्टराइज करके और जो फैक्टर मिलेंगे उससे आप जीरोस निकालेंगे और फिर उन जीरोस का वेरिफिकेशन करेंगे, वो कैसे आप करेंगे तो आपको ये चीज याद होना चाहिए जो ये बताएगा आपको क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल में, क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल में दो रिलेशन होते हैं सम ऑफ द जीरोस इज माइनस बी बाय ए ठीक है और दूसरा प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस इज इक्वल्स टू सी बाय ए, ये आपको क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल में याद रखना है, एक थोड़ा अलग क्वेश्चन लेते हैं और समझते हैं अगला, एक और क्वेश्चन लेते हैं फिर समझते हैं कि आगे और क्या क्वेश्चन आ सकता है, तो क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल से एक ये टॉपिक ठीक है, तो मतलब एक दो मतलब रिलेशनशिप वाला एक टॉपिक हुआ, दूसरा आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है, ये सारे क्वेश्चन मैं कराऊंगा, सारे क्वेश्चन कराए जाएंगे एक्सरसाइज उठा करके जब मैं कराऊंगा तो सारे क्वेश्चन कराए जाएंगे, दूसरा आपसे पूछ लेगा कि एक पॉलीनोमियल है, एक पॉलीनोमियल है जिसके जीरोज हैं, एक पॉलीनोमियल है जिसके जीरोज हैं थ्री एंड माइनस टू ठीक है, क्वेश्चन है द जीरोज ऑफ पॉलीनोमियल आर थ्री एंड माइनस टू फाइंड आउट द पॉलीनोमियल, आप पॉलीनोमियल कैसे बनाएंगे, तो हमारे बुक में एक फॉर्मूला ही दे दिया गया है कि आप पी एक्स इज इक्वल्स टू पॉलीनोमियल कैसे निकालेंगे, उसके लिए फॉर्मूला दिया है एक्स स्क्वायर माइनस टाइम्स ऑफ अल्फा प्लस बीटा टाइम्स ऑफ एक्स प्लस अल्फा बीटा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये ऑब्जेक्टिव में एक नंबर का आ जाएगा सीधे, दो जीरोस दे देगा, चलिए अब देख लेते हैं, हमको क्वेश्चन दिया है कि दो जीरोस हैं आप पॉलीनोमियल बताइए, तो ये मान लेंगे हमारा ये अल्फा और एक हो गया बीटा, तो हम क्या लिखेंगे भाई, वी नो दैट ब्रैकेट के अंदर बचेगा वन, समझिए प्लस और माइनस
माइनस रहे तो सब्ट्रैक्शन होता है और बड़े वाले का साइन होता है, जो भी रिजल्ट आएगा सब्ट्रैक्शन के बाद वो बड़े वाले का साइन, तो 3 पॉजिटिव है तो प्लस होगा, तो ब्रैकेट के अंदर प्लस 1 और बाहर है माइनस, तो प्लस और माइनस जो होगा वो क्या हो जाएगा, सॉल्व होकर के मल्टीप्लाई होकर के माइनस ही हो जाएगा। तो ये यहां पे 1 था, ये x प्लस 3 2 जा 6, लेकिन ये नेगेटिव है तो माइनस 6 हो जाएगा। यहां पर ऐसा ब्रैकेट लग गया तो ये हो जाएगा k टाइम्स ऑफ x स्क्वायर माइनस x माइनस 6। अब यहां पर कुछ भी देखिए, k का वैल्यू कुछ नहीं है तो आप k को सीधे इग्नोर कर दीजिए और साफ यहां पर लिखिए x स्क्वायर माइनस x माइनस 6। यही आपका क्या है, पॉलिनोमियल है, कब, जब k इक्वल्स टू 1 हो, या फिर आपको ये लिखने की आवश्यकता नहीं। तो आप समझिए यहां पर आप क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से दो चीज पढ़े, एक रिलेशन का वेरिफिकेशन, जीरोज और कोफिशिएंट के बीच में रिलेशन का वेरिफिकेशन, और दूसरा पॉलिनोमियल कैसे बनेंगे, ये चीज या बिल्कुल याद कर लीजिए, रट लीजिए और एकदम रट के उसको दिमाग में एकदम बैठा लीजिए, अभी क्वेश्चन कराया जाएगा तो फिर आपको पता चलेगा। अब चलिए चलते हैं हम लोग क्यूबिक के साथ आपको जरूर उसका आंसर बताएंगे। आपने
आपने इस वीडियो को देखा, इस बात के लिए थैंक यू, और आप अपने जैसे हर एक एक स्टूडेंट के पास इस वीडियो को पहुंचाओ ताकि सबको ज्यादा से ज्यादा फायदा मिले और सब अच्छा करें। इसी में तो सबकी भलाई है।